हेलो एवरीवन, वेलकम टू री टैरो 1111। मैं हूं आप सबकी दोस्त री। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए आपका वीकली प्रेडिक्शन लेके, और ये होने वाले हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। यानी कि हमारे पास है तीन ग्रुप्स और आपको आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है? सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है, आपके लिए है ग्रुप 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 के बीच में आता है, आपके लिए है ग्रुप 2। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 के बीच में आता है, आपके लिए है ग्रुप 3। ओके, आप चाहे तो किसी और के लिए क्रॉस वॉच भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है, किसी भी महीने किसी भी साल का, दिस इज योर वीकली प्रेडिक्शन। लेट्स सी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ध्यान में रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको उसको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको उसको जाने देना है, ओके? और साथ ही साथ मैं बताऊंगी, ये सारे जाति धर्म मजहब मेल फीमेल सारे जेंडर के लिए है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ओके? सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट वीक आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। 3 कार्ड लेंगे हम, बिगिनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी। बिगिनिंग ऑफ द वीक में यू हैव द 4 of Pentacles। ओके, अर्थ एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है, सो बिगिनिंग ऑफ द वीक में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे अपने इनकम के हिसाब से। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अगर आप नहीं वर्किंग हैं, आपके फैमिली में जो अर्न करते हैं, उस हिसाब से आपको लगेगा कि आपके फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। हो सकता है आप रिलोकेट करके किसी सिटी में रहने जाए इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा, अच्छा बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें जिंदगी में चाहिए, उसके लिए और मेहनत करनी है, उसके लिए और ड्रीम्स चाहिए, और गोल्स चाहिए। ऐसे एक मनोकामना आपके आती हुई दिख रही है, अंदर से एक पैशन आ रही है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का। सो यू आर काइंड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू मनी। ओके, मनी बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नया स्कीम देख सकते हैं, या फिर अपने जो सेविंग्स है उसका देख सकते हैं कि कैसे आप और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं अपना सेविंग्स, अपनी सैलरी को कैसे और यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ओवरऑल यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को लेके पोसेसिव फील कर सकते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। सो मेक श्योर वो ज़्यादा अनहेल्दी लिमिट तक ना चली जाए, ठीक है? टेक नोट ऑफ दैट। मिड ऑफ द वीक में यू हैव द 10 of Swords। मिड ऑफ द वीक में इट्स पॉसिबल कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले किसी ऐसे इंसान के बारे में जो इतना ज़्यादा अच्छा ना हो। मे बी यू ट्रस्टेड समबडी और वो आपको बिट्रे कर सकता है इन द मिड ऑफ द वीक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बैक स्टैबिंग जो है आउट ऑफ द ब्लू आए और आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट फील करें। सो मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको लग सकता है दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इससे आप ज़रूर उभरेंगे, ठीक है? 10 of Swords इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल। अगर आप बहुत टाइम से कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रगल या कोई भी हेल्थ इशू के साथ डील कर रहे थे, मिड ऑफ द वीक में उससे आप थोड़ा सा राहत मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप बैक पेन की समस्या से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन द मिडल ऑफ द वीक, सडनली वो बढ़ सकता है, ठीक है? सो अपना वर्क प्रेशर अकॉर्डिंगली लीजिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंगली डेलीगेट कीजिए, ओके? एंड ऑफ द वीक यू हैव द 9 of Swords, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है मुझे दिख रही है नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक में आप इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आ सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग एज वेल। बट आने वाला हफ्ता जो है फर्स्ट ग्रुप के लिए, मैं बताऊँगी यू नीड टू रियली रियली मेडिटेट, ओके? आपके थॉट्स को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
9, 10, 4, 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स है. अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एयर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अर्थ एनर्जी इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल आपके लिए क्या आता है. अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, मेक श्योर आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे ऑल क्लिक करें. इससे आपको सारे वीडियोस और बाकी चीजों की नोटिफिकेशन मिलती है. ओके, कमेंट करें ब्लेसिंग्स सो दैट आपको गाइडेंस मिले, स्ट्रेंथ मिले इससे उभरने की. एंड येस, पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं. ठीक है, मेरा इंग्लिश टैरो चैनल भी है, तो अगर आपको इंग्लिश में टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, उस लिंक में जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रील्स, रिचुअल्स और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल कंटेंट जो मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ. कम्युनिटी अभी तक फ्री है, उसके बाद पेड हो जाएगी. सो माय कम्युनिटी लिंक, इंस्टाग्राम लिंक एंड द इंग्लिश टैरो चैनल लिंक, तीनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. टाइम स्टैम्प्स के पास जाके वहां पे चेकआउट कर लीजिए. ओके, लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल व्हाट कम्स अप. यू हैव लवर्स नंबर 15, यू हैव कोर्ट हाउस नंबर 23, और आपके लिए आए हैं वेल्दी मैन. ओके, सो आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई वेल्दी मैन या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ सकता है, जिसके वजह से आपके मॉनिटरी ग्रोथ हो. ओके, आपके जो पार्टनर है उसके साथ आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं. डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, छोटा मोटा डेट पे जा सकते हैं. यू कैन एंजॉय नेचर एज वेल इन द अपकमिंग वीक. एक चीज से जो आपको याद रहना चाहिए वो है रूल्स, रेगुलेशंस, ज्यूरिस्डिक्शन, इन सब के रिलेटेड कामों में, कोर्ट रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं, इन सारी चीजों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है नेक्स्ट 7 डेज में. ओके, रूल्स जो भी है उसको फॉलो कीजिए, गो बाय द बुक, और कुछ भी शॉर्टकट में करने की कोशिश मत करना नेक्स्ट 7 डेज में. ओके, फॉलो द रूल्स, गो बाय द बुक एंड वर्क प्रॉपरली. ओके, फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है. लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ऑल राइट, स्पेसिफिक इवेंट्स जो आपके साथ हो सकता है. फर्स्ट अप, यू हैव कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन. डेफिनेटली 10 of Swords आपको यहाँ पे मिला है. सो हो सकता है कि कोई इंसान जो आपकी तरफ इतना लॉयल नहीं था, आपका भलाई नहीं चाह रहे थे, या कोई सिचुएशन जो आपके लिए अच्छा नहीं था, दैट इज कमिंग टू एन एंड इन द अपकमिंग डेज. फिर नेक्स्ट, यू हैव गॉट बीटल, गुड फॉर्चून. सो डेफिनेटली कुछ चीज़ों में आप गुड फॉर्चून एंजॉय करेंगे, स्पेसिफिकली इन मनी मैटर्स या मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप यहाँ पे जो है एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, गुड फॉर्चून. लेट्स सी मोर और क्या आ रहे हैं. फिर आपके पास है डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. सो हो सकता है आप अपने क्लोज फ्रेंड से मिले या फिर कोई पार्टी में जाए, दैट्स आल्सो पॉसिबल. लेट्स सी और क्या हो सकता है. देन यू हैव गॉट वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. तो हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको निकलवाना होगा, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा. फिर हमारे पास है एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. तो सक्सेस तो आपको मिलेगी डेफिनेटली विद द एग कार्ड, लेकिन उसके लिए बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगा. ओके, एंड बिफोर द लास्ट कार्ड ऑफ द डे, जल्दी से जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए. ओके, फाइनली यू हैव हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. सो अगर आपने अच्छे कर्म किए थे, यू विल गेट सम ग्रेट रिवॉर्ड्स. अगर इतने अच्छे कर्म नहीं किए थे, देन हो सकता है आपको कोई लेसन सीखना पड़े या फिर कोई accordingly situation face karni pade. Okay, so next week is going to be very very important. Take care and do well. Till the next time, Mehuri saying bye. हेलो माई ब्यूटिफुल ग्रुप 2, जिनका बर्थ डेट है 11 to 20 किसी भी महीने किसी भी साल का, दिस इज योर वीकली प्रेडिक्शन. लेट्स सी आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है. ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो मैसेज रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है. साथ ही साथ ये सारे जाति धर्म मजहब जेंडर के लिए है, तो मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, सबके लिए ये
एप्लीकेबल है. ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट 7 days आपके लिए कैसा रहने वाला है. विल टेक 3 cards बिगिनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड द एंड ऑफ द वीक. ओके लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग ऑरेकल से भी देखेंगे. वाओ, बिगिनिंग ऑफ द वीक यू हैव द मजिशियन एनर्जी. सो बिगिनिंग ऑफ द वीक में आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ को, यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ चीज़ों का, उसका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, 10-10 मुझे दिखा. सो डेफिनेटली इट टॉक्स अबाउट कंप्लीशन, इट टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड 10-10 एक्चुअली शोज कि आप गोल तक पहुंचे हो, आप डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो. सो आपके पास सारे रिसोर्सेस है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले वो करियर हो, प्यार हो, पैसा हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, कुछ भी हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. बिगिनिंग ऑफ द वीक इज अ वंडरफुल टाइम फॉर यू. मेक श्योर आप देखें कि कौन सा रिचुअल आपके लिए बेटर होगा, अकॉर्डिंगली आप इस टाइम का उपयोग करें. ओके नाउ नेक्स्ट, मिड ऑफ द वीक में यू हैव द 4 of cups. सो मिड वीक में हो सकता है कि आप जो है टेम्पररी कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस करो, या फिर ऐसे ही आप कभी कभार होता है ना लाइफ में सब अच्छा चल रहा है बट आपका मूड खराब है. क्यों खराब है आपको नहीं पता बट मूड खराब है. सो वैसा ही मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ द वीक में यूनिवर्स इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, पर आपके ध्यान जो है वो दूसरे चीज़ों पे है जो ऑलरेडी शायद आपके लाइफ से जो एग्जिट कर चुके हैं या फिर जिसको पाने में आपको टाइम लगेगा. ठीक है, वो सोच के आप डिसअपॉइंट हो रहे हो. अगर आपका गोल है फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक बहुत ही लैविश एक बंगलो खरीदना है, ओके आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो उसके लिए पैसा अगर आपको इकट्ठा करना है तो आपको वक्त लगेगा. पर अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखेंगे कि हाँ एक हफ्ते में मैं खरीद लूंगा और फिर आपका वो गोल पूरा नहीं होगा एंड यू आर डिससैटिस्फाइड, सो इसमें गलती किसकी है? गलती है अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग की. ठीक है, सो मिड वीक में आपको बोला जा रहा है कि आपको रियलिस्टिक टाइम बाउंड गोल्स सेट करनी चाहिए. जैसे कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉजिकल होके मैनिफेस्ट करनी चाहिए, ना कि चांद तारा मांग लेने चाहिए. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल वाइल डूइंग दिस मैनिफेस्टेशन, अदरवाइज फालतू में आप यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होते हुए नजर आ रहे हो. ठीक है, कि आपको मेरे को नहीं देखना कुछ भी, मुझे कोई भी ऑफर नहीं चाहिए, मेरा तो जिंदगी ही खराब है, आप खुद के ही नसीब को कोसते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो मिड वीक में. ओके सो यू नीड टू चेंज दैट एनर्जी. टैरो इसीलिए होता है सो दैट आपको गाइडेंस मिले एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर एनर्जी. ऑल राइट, सो कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक स्ट्रांग आया है. एंड ऑफ द वीक में यू हैव द 10 of swords. सो यहाँ पे मुझे लग रही है विद द 10 of swords कि अगर आपके लाइफ में जो ये मोनोटोनस अगर कोई चीज़ें चल रही थी या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट आप फेस कर रहे थे, वो एंड आ रही है इन द एंड ऑफ द वीक, वो खत्म हो रही है, वो साइकिल खत्म हो रही है. ठीक है, मे बी आप कुछ रिलीज करना ही रिचुअल यहाँ पे कर रहे थे या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे लाइफ से ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिलीज हो जाए, मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाए. ओके सो दैट थिंग आई कैन सी कि बाय द एंड ऑफ द वीक वो चीज़ रिलीज हो रही है, वो चीज़ आपके लाइफ से बाहर जा रही है और कहीं ना कहीं आप एक पेनफुल साइकिल से बाहर आ रहे हैं. ओके अगर आप ऑलवेज डिसअपॉइंटेड थे किसी भी लवर के साथ या फिर कोई सिचुएशन के साथ या फिर मे बी जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड थे, आपको लग रहा था कि यूनिवर्स इज नॉट बीइंग फेयर विथ यू, वो जो माइंडसेट है, कभी कभार ना आपके माइंडसेट की चेंज होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तब जाके आपको सक्सेस मिलती है. सो वो जो नेगेटिव माइंडसेट है दैट इज गोइंग अवे बाय द एंड ऑफ द वीक. अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एयर साइंस की ऊर्जा यहाँ पे है, 10-1 इंपॉर्टेंट नंबर्स है. नाउ लेट्स सी आपके लिए ओरेकल क्या बोलती है. अगर रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट करी है, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उस पर ऑल क्लिक कर दो फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस, कमेंट करो ब्लेसिंग्स टू क्लेम द blessings and personal reading के लिए ऊपर दिए गए WhatsApp number पे contact करें. Okay? By the way guys, अभी तक अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है, link description box में है timestamps के पास, जाके follow कर लीजिए. वहां पे भी मैं बहुत सारे spiritual content, pick a card readings वगैरह डालती रहती हूँ. English में अगर pick a card readings देखना है तो मेरा English tarot channel आप subscribe कर सकते हैं, उसका भी link description box में है. And yes, मेरा community अभी तक free है, इसके बाद paid हो जाएगी. So for free joining of community, उसका लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे लिंक्स जो है टाइम स्टैम्प्स में ऑलरेडी दिए गए हैं. ओके सो जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए. लेट्स सी ओरेकल से आपके लिए क्या आ रहे हैं. ग्रुप 2, यू हैव गॉट थीफ, बी अवेयर ऑफ पीपल जो
आपके भले नहीं चाहते। ओके, थीफ का कार्ड ये भी दिखाता है कभी कभार कि आप जो है सब जानते बूझते आंखें बंद करके बैठे हुए हो। ठीक है, आपको पता है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, बट यू डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग अबाउट इट। ओके, फॉर वॉट एवर सिचुएशन, सो उस माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो विद दिस थीफ कार्ड, बी केयरफुल ऑफ योर कैश, ऑफ योर मनी, ऑफ योर अबांडेंस, एनी फॉर्म ऑफ अबांडेंस। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके अबांडेंस को लेना चाहते हैं, मेक श्योर आप उनको टाटा बाय बाय बोल दो, या फिर उनके साथ स्ट्रांग बाउंड्रीज क्रिएट कर दो अगर वो बहुत ही फैमिली वाले हैं या फिर ऐसे कोई लोग हैं। ठीक है, बिकॉज थीफ शोज दैट यू माइट लूज आउट सम ऑफ योर अबंडेंस इफ यू आर नॉट केयरफुल। ऑल राइट, नंबर 24 इज योर, लेट्स सी मोर। यू हैव फैमिली रूम, फैमिली के साथ आप कहीं पे घूमने जा सकते हो, फैमिली के एक साथ कोई गेट टुगेदर, टी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे कोई छोटे मोटे ओकेशंस भी हो सकता है जहाँ पे आप इंजॉय करो। अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो उनको विजिट करने आप जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले या लड़की वाले घर पे आ सकता है देखने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू। ओके, नंबर 21 यहाँ पे आए हैं। देन यू हैव गॉट मेन मेल, सो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उससे आप मिल सकते हो इन द अपकमिंग 7 डेज। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, इनके साथ रिलेशनशिप में हो, मेक श्योर आप उनसे कुछ भी ना छुपाए आने वाले 7 दिनों में। ओके, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी आर वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट 7 डेज। अगर फैमिली एक्सपेंशन, फैमिली रिलेटेड कुछ बातें करनी है, फैमिली मेंबर्स रिलेटेड कुछ बातें करनी है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा एम्पैथेटिक होकर बात करें। एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को भी सेम चीज करनी चाहिए, सिर्फ आप ही नहीं, दोनों को ही करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प आउट इन योर मैरिटल लाइफ और द रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी है। जो लोग सिंगल्स है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, उनके परिवार के तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है या कोई ऐसा पोटेंशियल कोई आ सकता है, मेल या फीमेल मेंबर, जिसके साथ आप आगे जाके रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, दैट्स आल्सो पॉसिबल। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स के आपके लिए आने वाले 7 दिन में स्पेसिफिक क्या इवेंट्स होने वाले हैं। लेट्स चेक दैट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप 2। ओके, फर्स्ट अप यू हैव रेत, सॉरो ओवर अ लॉस, सो डेफिनेटली विद दिस थीफ एंड 10 of Swords कार्ड, प्लीज बी केयरफुल कि आपको कोई लॉस देखना ना पड़े, क्योंकि चांसेस है यू माइट लूज आउट समथिंग, सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट यू हैव गॉट फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। ये 4 of Cups यही दिखाता है कि आप जो है कंफ्यूज है, आपकी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर थिंकिंग, डू मेडिटेशन, वेयर क्लियर क्वार्ट्ज, डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई आपका अच्छा दोस्त हो सकता है जिनसे आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में, तो अगर आपके जेन्युइन फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो सुन ले, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, सो आपका जो विश है वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ना पूरा हो, जिसके वजह से आप ये डिसअपॉइंटेड रहे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये नेक्स्ट वीक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। ओके, सो डोंट फील डीमोटिवेटेड कि मेरा विश पूरा नहीं हुआ, मे बी डिवाइन टाइमिंग आने में थोड़ा और वक्त है, या फिर आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी उसको पाने के लिए। ओके, देन यू हैव गॉट डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये फैमिली रूम भी यहाँ पे है, तो कुछ टाइप का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं। एंड द लास्ट कार्ड बिफोर दैट, डेफिनेटली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। एंड देन यू हैव गॉट वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। अभी कुछ लोगों के लिए ये जो थीफ कार्ड है ना, ये दिखाते हैं कि आप खुद ही खुद का दुश्मन है। ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ईविल आई भेजा जा रहा है, मेरा तो बुरा ही चाहते हैं लोग। सो ऐसा सोच सोच के ना आप वही एनर्जी और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो डोंट बी दिस वल्चर, अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं और अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना धकेले। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में इस चीज का खास ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। ओके ग्रुप 2, सो दैट वॉज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्ड यू, मेक श्योर यू फॉलो द गाइडेंस, एंड इफ यू डिड लाइक द रीडिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप थ्री, जिनका बर्थडे है 21 to 31 के बीच, किसी भी महीने किसी भी साल का। लेट्स सी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक। ध्यान में रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको उसको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, ये सारे जाति धर्म मजहब जेंडर के लिए है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ओके, लेट्स सी कैसे होंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज। Beginning of the week, mid of the week, end of the week. Okay, उसके बाद हम लोग oracle से देखेंगे। Okay, beginning of the week you have 6 of swords. So group 3 मुझे दिख रहा है कि beginning of the week में आपका कोई travel plans बन सकता है, या आप travel कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए short distance ही travel मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने parents को लेके किसी तीर्थ यात्रा पे जाइए, या फिर कोई religious place पे आप जा सकते हैं। ऑल्सो विद द 6 of swords, अगर आपके हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकले हो, तो उससे आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर मूविंग इन टू पीसफुल वाटर्स। किसी के साथ अगर झगड़ा चल रहा था परिवार में, वर्क प्लेस में, दैट थिंग इज गेटिंग रिजॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। ओके, सो डेफिनेटली यू आर टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर बिकमिंग मोर मच्योर, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आप और भी ज़्यादा काम और कंपोज्ड हो रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ पे रिएक्शन देना, हर चीज़ पे ऊंची आवाज़ पे बात करना, अगर वो आपके नेचर में है तो उस चीज़ से आप परहेज कर रहे हैं आने वाले 7 दिनों में। ठीक है, अक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई एयर साइन की एनर्जी है, नंबर 6 आई है। देन यू हैव द 10 of cups। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइज। ओके, 10 of cups दिखाता है मिड वीक में डेफिनेटली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। कुछ लोगों के लिए शादी हो रही है, कुछ लोगों के लिए शादी फिक्स हो रही है, कुछ लोग ट्रैवल करके किसी के शादी में जा रहे हैं आने वाले हफ्ते में। सो यू आर हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम मिड वीक, जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो अपने परिवार के साथ। इनफैक्ट विद द 10 of cups इट्स पॉसिबल कि अगर आपके मैरिज में कुछ डिफिकल्टीज चल रही थी, डिवोर्स तक बात चली गई थी, फाइनली यू आर गेटिंग अ रिलीफ फ्रॉम दैट, या फिर चीज़ें सुलह हो रही है, आप लोगों में रिकन्सिलेशन हो रहे हैं, वापस आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक साथ रह रहे हो, आपके बच्चे खुश हैं, बच्चों को लेके आप कहीं वेकेशन पे भी जा सकते हो मिड वीक में। इनफैक्ट बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है मिड वीक में। ओके, आइदर इट्स प्रेगनेंसी और बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, या बच्चों को कोई ट्रॉफी मिला है, उन्होंने कुछ अच्छा पेंटिंग किया है, समथिंग रिलेटेड टू किड्स, कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो वाटर साइन की एनर्जी है, नंबर 10 और 1 की ऊर्जा। एंड ऑफ द वीक में यू हैव गॉट द पेज ऑफ वॉन्स। एंड ऑफ द वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, कोई भी चीज़ ऐसे आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका नया कोर्स शुरू हो सकता है एंड ऑफ द वीक के दौरान, आपके जो है एग्जाम के डेट्स आ सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ओवर हियर आई कैन सी कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है एंड ऑफ द वीक में। ऑल्सो यू आर बीइंग मोर पैशनेट अबाउट लाइफ, अगर अभी तक आप उतना ज़्यादा जील फील नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑफ द वीक में आपके पास वजह मिल जाएगी जिसके वजह से आप और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या मोटिवेटेड होंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, कोई यंग पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, अगर आप सिंगल है, आपसे एज में छोटा हो सकता है, बट दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन यू। ओके, बहुत ही नेसेंट स्टेज है, सो डोंट गो फॉर कमिटमेंट और मैरिज, बट या दिस इज समथिंग लाइक फ्लर्टिंग या ऑनलाइन डेटिंग में आप कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उसके पहले अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, जल्दी से एक लाइक चिपका दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल क्लिक कीजिए, इससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड येस, इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाके फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक टाइम स्टैम्प्स के पास है। ओके, ऑल्सो अगर आपको इंग्लिश में पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है, एंड ऑफकोर्स मेरा कम्युनिटी भी अभी तक फ्री है, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड इंग्लिश टैरो चैनल का लिंक भी मैंने टाइम स्टैम्प्स के पास दे दिया। ओके, सो इफ यू लाइक इंग्लिश पिक अ कार्ड रीडिंग्स, डू गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं ऑरेकल से आपके लिए क्या आ रहे हैं। ग्रुप 3, यू हैव फैमिली रूम नंबर 21, कॉफिन नंबर 19, हाउस नंबर 20। ओके, बहुत लोगों के लिए फैमिली, घर,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट 7 डेज में। हो सकता है आप अपने पुश्तैनी घर पे विजिट करने जाए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। कुछ लोग यहाँ पे नया घर खरीद सकते हैं या फिर नया घर में रेंट पे जा सकते हैं। बट ओवर हियर आई कैन सी हाउस स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फैमिली रूट्स, ये सारे चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, फॉर फ्यू ऑफ यू ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि हाल ही में आपने किसी लव्ड वन को खोया है, चाहे कोई ग्रैंड पेरेंट हो या फैमिली मेम्बर हो, उनके जो रिचुअल्स है या राइट्स है वहाँ पे आप जा सकते हैं इस हफ्ते। ठीक है, सो दोज थिंग्स कैन ऑल्सो बी कैरड आउट। 19, 20, 21 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के एज हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, किसी के साथ डील कर रहे हो उनका बर्थ डेट भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके घर में आपके परिवार वाले रहने आ सकता है। ठीक है, लाइक मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ थे और आपके इन-लॉज आ सकते हैं नेक्स्ट वीक, आपके घर में विजिट कर सकते हैं एंड दे कैन स्टे ओवर फॉर फ्यू डेज। ठीक है, तो आप लोग हो सकते हैं कि घर में एक साथ टाइम स्पेंड करें, इन्जॉय करें। कुछ लोगों का हाउस में रेनोवेशन का काम हो सकता है, हाउस जो है आप नया बनवा सकते हैं। ठीक है, लैंड प्रोक्योरमेंट आप कर सकते हैं। सो इन सारे चीज़ों के लिए आने वाला 7 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। यहाँ से आपके लिए स्पेसिफिक इवेंट्स क्या आ रहे हैं आने वाले 7 दिन के लिए। फर्स्ट अप यू हैव फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हो, आपके पार्टनर या फैमिली पर्सन या फ्रेंड, जिनके ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर हो सकती है। ओके, आई गॉट वन कार्ड। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ओके, तो आपके लाइफ में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम को लेके बिजी रहते हैं, देन दिस इज अ वीक वेरिन यू शुड फोकस ऑन योर फैमिली और पर्सनल लाइफ। ठीक है, ये स्केल्स एक्चुअली मुझे जस्टिस वाइब दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इक्वालिटी मेंटेन करें अपने रिलेशनशिप्स में। फिर हमारे पास है गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। सी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे लॉ आया है। सो लॉ रिलेटेड अगर आप कोई स्टूडेंट है, एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है या फिर आपको इंटर्नशिप के लिए कहीं पे चांस मिल सकता है। ऑल्सो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लॉ, हो सकता है लॉ रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड कुछ अगर वर्क आपका बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास है बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, पैसों के मामले में थोड़ा सावधानी बरतिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ जनरल थीम, तीनों ही ग्रुप में ये आ रहे थे कि थोड़ा सा अपने अबंडेंस एंड पैसों को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन द अपकमिंग वीक। ओके, आई थिंक इट्स अ जनरल मैसेज। हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ओके, दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर एंड द लास्ट मैसेज ऑफ द डे। उसके पहले गाइज जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल क्लिक करना है एंड कमेंट करना है ब्लेसिंग्स। ओके, टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। ओके, देन यू हैव गॉट मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो हो सकता है घर जाके आपको कुछ ऐसे एडवाइस मिले या कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आपको मिले, कोई मनी आपको मिले जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बट ऑफकोर्स इट विल एड अप टू योर अबंडेंस। ओके, मनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं घर वालों के साथ, तो थोड़ा सा उसको रिलेटेड भी सावधानी बरतिए। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप 3। आई होप आपको हेल्प मिली है। अगर अच्छी लगी है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं रीसेइंग बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। बाय बाय।